अगली खबर का, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान वैसे तो आए दिन किसी ना किसी बयान के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इस बार आजम खान ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। आजम खान ने केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर महिला पत्रकारों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर गुजरात से यूपी बिहार के लोगों को निकाले जाने को लेकर और साथ ही बीजेपी के महाकुंभ पर खर्च किए जाने के सवाल पर चुटकी लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं कि आजम खान ने क्या कुछ कहा। निकल रहे हैं गुजरात से, सिर्फ निकाले जा रहे हैं, मारे नहीं जा रहे, तो कुछ तो कह दो हक की बात। हाँ, निकाले जा रहे हैं और बहुत बुरे हालात में वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, अपना सामान अपना माल मेहनत छोड़कर भाग रहे हैं, बहुत दहशत में हैं। भाई मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पता नहीं कब किस पे क्या गुजर जाए, तो जिस पे पड़े वही भुगते तो ज़्यादा अच्छा है ना। ना देखिए, खर्च से उसका कोई मतलब नहीं। महाकुंभ का खर्च महा होता है, अर्धकुंभ का खर्च बहुत थोड़ा होता है। वहाँ बिजली का इंतज़ाम करना है, पानी का इंतज़ाम करना है, टेंट्स लगवाने हैं, टॉयलेट्स लगवाने हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं होती। कोई पानी में चांदी नहीं बिछाई जाती और फर्श की जगह संगमरमर नहीं लगता, वो तो रेत है, रेत पर दरियाँ बिछती हैं, कारपेट्स लगती हैं, कपड़े के टेंट्स होते हैं। We'll be right back.